यमुनानगर बड़ी खबर। स्पेशल सेल की टीम ने कैसे चोर को गिरफ्तार किया है जिसने रादौर निवासियों सहित पुलिस की भी नींद उड़ाई हुई थी। आरोपी ने रादौर में ही 10 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया व अब आरोपी को स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से चोरी का सामान व नकदी भी बरामद की गई है। आरोपी ने चोरी करने में भगवान का घर यानी मंदिर भी नहीं छोड़े। सेल के इंचार्ज राजेश राणा ने बताया, उनकी टीम को सूचना मिली एक युवक चोरी की फिराक में त्रिकोणी मोड़ रादौर में घूम रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, सुरेंद्र, सुखविंदर, याकूब, विपिन, कुलदीप की टीम का गठन किया गया। टीम ने वहां जाकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया जिसकी पहचान छोटा बास निवासी बब्बू उर्फ गब्बर के नाम से हुई। आरोपी ने पूछताछ में चोरी के 10 मामलों का खुलासा किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इंचार्ज ने बताया कि बब्बू उर्फ गब्बर 18 अगस्त को ही जेल से बाहर आया व आते ही उसने रादौर में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। आरोपी पर पहले भी विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। बब्बू के पकड़े जाने से अब रादौर की जनता राहत की सांस लेगी। बड़ी बात, आरोपी सुने घरों को ही निशाना बनाता था व अकेला ही वारदातों को अंजाम देता था। इंचार्ज राजेश राणा ने बताया, 6 दिसंबर को श्री राम कॉलोनी निवासी दर्शन लाल अरोड़ा का घर बंद था, वह दुकान पर थे। आरोपी उनके घर में घुसा व वहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान उनका बेटा सक्षम घर आया और चोर ने उसे चाकू दिखाया व मारने की भी कोशिश की, जिसमें वह बाल बाल बचा। चोर मौके से फरार हो गया। इसके अलावा 26 नवंबर को प्रेम कॉलोनी रादौर में सुने घर में चोरी की वारदात, 6 दिसंबर को श्री राम कॉलोनी रादौर में चोरी, 9 दिसंबर को सिविल अस्पताल रादौर के नज़दीक एक सुने घर में चोरी, 4 दिसंबर को अम्बेडकर नगर रादौर में चोरी, 24 नवंबर को नागरान मोहल्ला रादौर में चोरी, 2 महीने पहले पंचमुखी मंदिर रादौर से 1.5 लाख रुपए इसी बब्बू उर्फ गब्बर ने चुराए, 1 माह पहले फिर अम्बेडकर नगर में चोरी की, 2.5 महीने पहले ही शास्त्री कॉलोनी व 22 नवंबर को वाल्मीकि बस्ती में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला यह शातिर चोर अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी ने सुने घरों को ही निशाना बनाया। सुनिए क्या कहना है डीएसपी कवलजीत सिंह का। काफी पीछे 2-3 महीने तक दौर में काफी घर की चोरियां हो रही थी, तो उसके रिगार्डिंग हमारे स्पेशल स्टाफ श्री राजेश राणा है इंचार्ज, तो उसने इसको गिरफ्तार किया है, जो कि इसने लगभग 10 चोरियां मानी है। मैंने पिछले 2-3 महीने के अंदर 10 चोरियां की हैं, क्योंकि ये अगस्त में ही बाहर आया था जेल से, क्योंकि पहले भी चोरियां करने का आती रहा है। इसके अलावा ये नशे वगैरह भी करता है, तो ये जो बंद मकान होते हैं तो उन्हीं को ये टारगेट करता था। तो हम लोगों को पहले भी अवेयर करते रहे हैं, अभी आप अपने घर को बंद मतलब लॉक लगा के बंद जाओ तो कम से कम किसी ना किसी की निगरानी के अंदर घर को छोड़ना चाहिए। अब जितनी चोरी हुई है सब बंद मकानों में हुई हैं, तो हम लोगों को आगे भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर कभी बाहर जाना ही पड़ता है तो आप अपने किसी ना किसी परिचित को उसके संबंध में बता के जाएं, किसी के घर पर अपनी ड्यूटी लगा के जाएं।